तो यहाँ पे लगातार हमारी तरफ से दो दो शेयर आपको मिल चुके हैं, आप तीन तीन शेयरों की शुरुआत करते हैं और इसमें आज शुरुआत हम रजत से कर रहे हैं, थोड़ा सा चेंज है। रजत वैसे भी फास्ट मनी खेलते रहे, उनका अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा, तो रजत आपसे शुरू करते हैं तीन शेयर के लिए। ये ना डिम्पी अनिशा को आज रिप्लेस कर रहे हैं और वो धीरे बोलती शेयर तेज चलते हैं, तेज बोलते हैं शेयर तेज चलते हैं। फिर इंट्राडे के लिए चुना गया वो है HBL पावर। देखिए अभी तक इतने स्ट्रांग रिटर्न्स नहीं, लेकिन काबिल है कि स्ट्रांग रिटर्न्स दे जाएगा। बैटरी सेगमेंट को बिलोंग करती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट सेगमेंट को बिलोंग करती है और यही ऐसी पॉकेट है जहां पर ट्रेडर्स का इंटरेस्ट सिस्टम में बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अब तीन दिन के गिरावट के बाद इस शेयर में खरीदारी आ रही है, स्टॉक पे नजर रखी जा सकती है। जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट इसमें वो है 67 का, 61.5 का आपको एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड के लिए लगाना होगा। अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है, इसको रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में। साथ साथ एजुकेशन स्पेस पे नजर रखें जिसमें कोकोयू केमलिन, देखिए इस हफ्ते में काफी स्ट्रांगली रिटर्न इस स्टॉक ने डिलीवर किए हैं और काफी समय बाद अगर आप वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इस स्टॉक पे पकड़ बहुत मजबूत हुई है। और वैसे मैं कह रहा हूं कि एजुकेशन पॉकेट जो है वो ऐसी पॉकेट है जहां पर इस समय ट्रेडर्स का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव है, अच्छी खरीदारी हो सकती है, वॉल्यूम्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, आज शुरुआत काफी बेहतर हुई है, तेजी पकड़ी इस स्टॉक ने, तो वीकली हाई के लेवल के आसपास ही यहां पर इनफैक्ट उससे ऊपर ही यहां पर क्लोज करता हुआ नजर आएगा। 109 का टारगेट लेकर चले और 103 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और आज जो मैंने सुपरहिट शेयर उतारा है वो है एंड्रयू यू। सरकारी कंपनियों में काफी स्ट्रांगली ग्रिप बनी, इस स्टॉक में अभी तक उतनी खरीदारी हुई नहीं है लेकिन हो सकता है कि ये स्टॉक अब ट्रेडर्स के रडार पर आए, एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। अभी तक मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर गया लेकिन ऊपर से ये भी देखिए आपके चाय कॉफी शेयर्स इस समय बजार पे काफी स्ट्रांगली ग्रिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकारी खेमे को बिलोंग करती है, तेजी पकड़ी तो बहुत स्ट्रांगली रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है, मैं तो इनफैक्ट डबल डिजिट रिटर्न्स सोच रहा हूं कि इसमें आज के सत्र में देखने को मिलेंगे। लेकिन टारगेट आप 36.5 का लगाएं और 31 का एक स्टॉप लॉस 50 फॉलो करना होगा अपने ट्रेड्स पे। आप ठीक है, तीनों शेयर रजत के तो पूरे हुए जिसने सुपरहिट शेयर भी उन्होंने बता दिया। साक्षी आपकी बारी। चलिए फटाफट से मैं भी बता देती हूँ पहला शेयर। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहती हूँ कि रजत जो अभी आपने कोकोयू केमलिन बोला है वो मैंने फास्ट मनी है 10 में एक बार ही दिया हुआ था ब्रेक में। एक्चुअली मुझे बोल रहे थे कि तुमने मेरा शेयर ले लिया HOEC जो मैंने कल दिया था, तो मैं ये भी बता दूं कि इन्होंने भी मेरा एक शेयर लिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिपिंग स्पेस सभी के रडार पर है और लगातार स्पेस से आपको शेयर्स मिलते हुए भी नजर आए हैं फास्ट मनी 10 में। आज मैंने चुना है जी शिपिंग को। आप देखिए क्रूड के जो प्राइसेस है वो कहीं ना कहीं कंड्यूसिव है और जिस तरीके से एक्सपोर्ट्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं फायदा होगा जी शिपिंग को और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मैंने कल दिया था, यहां पर भी अच्छा मूव देखने को मिला। जी शिपिंग आप देखिए आज आपके रडार पर रह सकता है, 420 के टारगेट्स के लिए आप इसे अप्रोच कीजिए, 400 का आप एक स्टॉप लॉस डेफिनेटली लगाकर चल सकते हैं। इसके अलावा ग्रेफाइट इंडिया ये भी आपके रडार पर हो सकता है क्योंकि HEGC की पेयर कंपनी है जहां पर काफी अच्छे नतीजे देखने को मिले हैं और क्वार्टर टू के नतीजे अभी ग्रेफाइट के आए नहीं है लेकिन बहुत ही अच्छे नतीजों की उम्मीद लगाई जा रही है, जिसके पहले आप यहां पर देख सकते हैं अच्छा मोमेंटम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 590 के टारगेट्स आपको बताए जा रहे हैं इंट्राडे के लिए, 570 का आप एक स्टॉप लॉस लगाकर अपने रडार पर रख सकते हैं। और आज के लिए जो मेरा सुपर हिट शेयर है वो इंफ्रा स्पेस है और IRB इंफ्रा को मैंने चुना है और वही ट्रिगर को लूंगी जो संदीप ने आज अपने पहले शेयर MEP इंफ्रा में लिया है। 1 दिसंबर से यहां पर फास्ट टैग हर गाड़ी में मैंडेटरी हो जाएगा और सभी टोल कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, वॉल्यूम्स इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम होगा जो कि मैंडेटरी हो जाएगा। आप इसे अपने रडार पर रखिए, 253 के टारगेट के लिए 243 का आप एक स्टॉप लॉस अपने पर रख सकते हैं। HOEC को लेकर इतनी पहले भी रिकमेंड कर चुका हूँ, वो केवल इस वजह से क्योंकि ONGC से इनको बड़े ऑर्डर हाथ लगते हैं और KG बेसिन में बड़ा केपेक्स वो करने वाले हैं, तो हो सकता है आने वाले दिनों में बड़े ऑर्डर इनके हाथ लगते हुए दिखेंगे और भारत में वैसे भी निवेश बढ़ रहा है। आज के लिए 115 रुपए का टारगेट प्राइस आप लेके चल सकते हैं, इस काउंटर में 105 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। KEC इंटरनेशनल, देखिए ट्रांसफॉर्मर स्पेस आज काफी ज्यादा बजिंग है, GE T&D के नंबर्स आए हैं, बाकी सभी कंपनियां जो स्पेस की हैं वो भी चल रही हैं, एक उससे मिलता जुलता जो स्पेस की जो कंपनी है वो है KEC इंटरनेशनल, जहां पे अगर आप देखें मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, आज भी करीब 2.5% के आसपास का मूव है, इनकी ऑर्डर बुक भी काफी स्ट्रॉन्ग है और अब नंबर्स अभी आना बाकी है, तो हो सकता है कि इनके नंबर्स में भी पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिले और ज्यादा दिन बचे नहीं है रिजल्ट सीजन में, तो अब यहां से अप मूव अगर बना तो मुझे लगता है आज आपको 325 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। एक और स्पेस जो कि काफी ज्यादा एक्टिव है बीते कुछ दिनों में वो है केमिकल स्पेस की। आज सुबह हिमाद्री केमिकल्स को मैंने नतीजों के दम पे उतारा था, बालाजी अमीन्स के नंबर्स आपने देखे था, डबल डिजिट रिटर्न एक ही दिन में देखने को मिले थे और ओमकार के साथ भी हो सकता है कि ऐसा ही मूव देखने को मिले। और इसके साथ तो अच्छी बात यह है कि हायर लेवल से अच्छा खासा करेक्शन इस काउंटर में हो चुका है और अब यहां से स्टॉक दोबारा पिकअप करना शुरू हुआ है। आज के लिए 88 रुपए का टारगेट प्राइस होगा, बताओ सुपर हिट मैंने शामिल किया और आज 79 का स्टॉप लॉस लगाना भूलें इसमें।
ठीक है, तो संदीप के शेयर्स भी पूरे, अब मेरे तीन शेयर्स भी आपके सामने हैं, अब आप नोटिस कीजिएगा। पहला तो है नेल कास्ट, इस पे आप जरूर ध्यान रखिए, असल में इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं इस बार, और नंबर्स बेहतर आना ही मार्केट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आजकल मार्केट सबसे ज्यादा नोटिस कर रहा है। तो नंबर्स के बेसिस पर एक तो नेल कास्ट पे आप ध्यान रखें, इसकी मूविंग एवरेजेस भी ठीक है। एक शेयर मैं आपके सामने और रखता हूँ, वह है फ्यूचर्स का शेयर, वह है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। आधा काम हमारा सिमी भौमिक ने ऑलरेडी पूरा कर दिया था, वो कह रही थी उनका पसंदीदा शेयर है, कल भी अच्छा चला। लेकिन आप बालकृष्ण इंडस्ट्रीज क्यों देखें, इसकी वजह है असल में ऑटो सेल्स के जितने नंबर्स आए उसमें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट टर्न अराउंड स्टोरी के अंदर है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ही टायर बनाता है, और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सन्नी देओला, जिनका 2.5 किलो का हाथ है BKT, वो आपको एक ट्रैक्टर पे हाथ रख के बताते हैं कि ये टायर चलेगा, तो आप सन्नी देओल की भी बात जान सकते हैं कि ये टायर चल सकता है। वादा का शेयर, अच्छी कैश डिलीवरी वॉल्यूम इसके अंदर है, 1810 तक का टारगेट है। और एक बार नेलकास्ट में आपको वापस बता देता हूँ, उसके टारगेट आप एक बार थोड़े बढ़ा लीजिए क्योंकि उसके अंदर एक मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। तो नेलकास्ट आप एक बार नोटिस करने वाला शेयर वापस बन गया, इसका जो टारगेट होगा वो करीब करीब 92 से 94 तक की रेंज का वापस में रखिए, और आप इसमें अब एक स्टॉप लॉस होगा 85 से 86 का लगा सकते हैं। 92 का टारगेट, 85 से लेकर 88 के बीच में कहीं भी अपने टारगेट स्टॉप लॉस को फिट करके आप इस शेयर पे उतरिए। और आज का मेरा जो सुपर हिट शेयर है वो GST की थीम है। GST एक बैठक होने वाली है जिसमें 28% प्रोडक्ट जो है उसको, उससे कुछ प्रोडक्ट्स को बाहर निकाला जा सकता है। बाजार के अंदर खबर इस समय यह है कि जो तार बनाने वाली कंपनीज हैं उनको बड़ी राहत दी जाएगी। पिछले 2-3 दिन से इन शेयर्स में कंसोलिडेशन दिख रहा है, आज शेयर चल सकते हैं। कोर्ट केबल्स करीब 10% ऊपर आ चुका है, लेकिन ये शेयर अभी और भी चल सकता है। ₹150 तक का टारगेट रख के आप इसमें खरीदारी करें, ₹140 का एक स्टॉप लॉस भी होगा। अगर आप ये शेयर छोड़ना चाहें तो इनके पीयर्स भी देख लीजिएगा, KEI इंडस्ट्रीज है, हेवल्स है, वो सब भी कंसोलिडेट होकर चलने की तैयारी में है। तो मेरे शेयर भी पूरे हुए आज, उम्मीद करते हैं 20 के 20 शेयर आपको अच्छा वहां पर मुनाफा देते हुए दिखेंगे। तो आज अच्छा वीकेंड आपका मन रहा होगा, अच्छे प्रॉफिट्स आपकी जेब में आ गए, अच्छे प्रॉफिट जेब में आने वाले हैं, तो इसकी तैयारी कर लीजिएगा और खिलखिलाते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, और कोई तबीयत खराब नहीं करना, आराम आराम से शेयर्स को चुनना है, ट्रेड करना है, शांति से पैसा बन जाएगा।